वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को समंजस सर सोनो जमुई के द्वारा प्यार रहा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ विटामिन के बारे में। विटामिन क्या है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और विटामिन को कितने भागों में विलयता के आधार पर बांटा गया है ये बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई के आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। चलिए सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूं विटामिन शब्द की खोज 1911 ईस्वी में पोलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कासिमीर फंक जिसे संक्षेप में सी फंक कहते हैं 1911 ईस्वी में पोलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे कासिमीर फंक, जिसे कि संक्षेप में सी फंक कहते हैं, उन्होंने विटामिन शब्द की खोज किया था, समझे कि नहीं। और उसके बाद 1912 ईस्वी में फ्रेडरिक हॉपकिंग्स ने विटामिन तत्व की खोज किया, समझे कि ना। कौन? 1912 ईस्वी में फ्रेडरिक हॉपकिंग्स। इसी कारण से फ्रेडरिक हॉपकिंस को 1929 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार, विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो चलिए बाबू, ये तो जान गए कि कौन खोज किया और कौन शब्द का प्रयोग किया। अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि विटामिन क्या है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो संसार के सभी जीवों के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होता है, समझे कि नहीं। विटामिन एक प्रकार का ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो संसार में सभी जीवों के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होता है, और साथ ही यह हमारे शरीर के ईंधन। साथ ही विटामिन जो होता है, यानी हमारे शरीर में जो ईंधन होता है, उस ईंधन के संश्लेषण में नियंत्रण का काम कार्य करता है, समझे कि नहीं। यानी विटामिन जो होता है हमारे शरीर में जो ईंधन होता है, उस ईंधन के संश्लेषण के नियंत्रण में वो कार्य करता है। जैसे आप लोग गाड़ी चलती है, मोटर कार चलती है, तो उसका ईंधन क्या है भाई? उसका पेट्रोल, डीजल, ये सभी उसका ईंधन होता है। ठीक, हमारे शरीर का जो ईंधन होता है वो क्या होता है? ब्लड, रक्त, ऊर्जा। उस सबसे हमको क्या मिलता है? रक्त, ऊर्जा आदि सभी मिलती रहती है ब्लड से। तो ब्लड हमारे लिए क्या हो गया? ईंधन का काम कर गया। इन सबों के संश्लेषण में नियंत्रण का काम कौन करता है? विटामिन करता है, समझे कि नहीं। और विटामिन के अभाव में हमारा शरीर जो होता है पूर्ण रूपेण विकास नहीं कर पाता है। तो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, मैं लिख भी चुका हूं, समझे ना। विटामिन लिखिएगा। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पोलैंड के वैज्ञानिक कासिमीर फंक ने 1911 ईस्वी में किया था, मैं इसमें नहीं लिखा था, और जिसे कि संक्षेप में सी फंक कहते हैं, समझे कि नहीं। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जिसकी आवश्यकता सभी जीवों को अल्प मात्रा में होती है, जिसकी सभी आवश्यकता क्या होती है? अल्प मात्रा में होती है विटामिन की। साथ ही विटामिन जो होता है हमारे शरीर के ईंधन के संश्लेषण में, ईंधन के संश्लेषण में नियंत्रण का काम करता है। अब तक कुल मिलाकर के 20 विटामिन खोजे जा चुके हैं, जिसमें कि 13 विटामिन जो होते हैं मानव शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होते हैं, वो सभी मैं बताऊंगा आज के डेट में। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में 20 प्रकार के विटामिन की खोज हो चुकी है, जिसमें कि 13 विटामिन मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है। 13 विटामिन के अंतर्गत क्या क्या होते हैं वो सब मैं बताऊंगा, अभी आप लोग केवल जुड़े रहेंगे। और उसके बाद विटामिन को विलयता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। विटामिन को विलयता के आधार, यदि कोई घुलता है, जब कोई भी विलायक में कोई पदार्थ जब विलय होता है, घुलता है, तो वह विलयता बनता है। तो विलयता के आधार पर जो होता है विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा जो है वसा में घुलनशील विटामिन, समझे कि नहीं। तो
जल में घुलनशील विटामिन वैसे विटामिन को कहते हैं जो जल में घुला हुआ रहता है और भोजन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर वह निर्मित होती है। और यह जल में घुलित जो विटामिन होती है वह सबसे अत्यधिक मात्रा में मूत्र में उत्सर्जित होता है, क्योंकि मूत्र में जल की मात्रा होती है अत्यधिक, समझे कि नहीं। तो मूत्र में वह विटामिन उत्सर्जित होता है, समझे कि नहीं। और जबकि वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है वह वसा में जाकर के जमा हो जाता है, वह भोजन के द्वारा निर्मित नहीं होता है, बल्कि वसा जो एडिपोज ऊतक होता है उस एडिपोज में जाकर के जमा हो जाता है, समझे कि नहीं। और वह ऊतक का समय समय पड़ने पर काम में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार विटामिन को दो भागों में बांटा गया है विलयता के आधार पर, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा जो है वसा में घुलनशील विटामिन। तो अब देखिए बाबू, यहां मैं लिख भी चुका हूं, विटामिन को विलयता के आधार पे वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा क्या है जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन वैसे विटामिन को कहते हैं जो हमारे वसा में जाकर के संचित हो जाते हैं, वसा में जाकर के वह जमा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। तो वैसे विटामिन को हम वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। वसा में जो घुलनशील विटामिन है वह विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी जो है वसा में घुले हुए रहते हैं। विटामिन ए की कमी से तो होती है रतौंधी बीमारी होती है। रतौंधी बीमारी मूल रूप से आंख में होती है, यानी आंख की रोशनी कम होने लगती है, समझे कि नहीं। आंख की रोशनी क्या होती है वह कम होने लगती है और धीरे धीरे आंख की जो कॉर्निया होती है वह सूखने लगती है, जिससे कि दिन को तो किसी तरह से वस्तु दिखाई देने लगती है कुछ कुछ, लेकिन रात को जब लाइट जलती भी है तो हम कोई भी वस्तु को देखने में असमर्थ होते हैं, तो वो रतौंधी नामक बीमारी विटामिन ए की कमी से, समझे कि नहीं। और विटामिन ए जो है वसा में घुलित विटामिन होता है। उसके बाद विटामिन डी की भी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। रिकेट्स बीमारी का मूल अर्थ होता है कि यानी हमारे शरीर में जो हड्डियां सभी होते हैं, यह मूल रूप से बच्चे को रिकेट्स बीमारी होती है। और ये जो बीमारी होती है हड्डी उड्डी लचीलापन आता है, हड्डी सूख जाती है, हड्डी कमजोर पड़ जाती है, समझे कि नहीं। ये बचपन में अत्यधिक मात्रा में होती है, इसलिए कहा था कि धूप से को सूर्य के प्रकाश के पास बच्चे को ले जाता है, विटामिन डी उसमें मिलता है, समझे कि। विटामिन डी की कमी से जाते हैं रिकेट्स। और विटामिन डी भी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। अब देखिए विटामिन ई भी वसा में घुलनशील विटामिन है। और इस विटामिन से जो होता है बांझपन या नपुंसकता की बीमारी होती है। जब विटामिन ई शरीर में कम हो जाती है तो बांझपन का अर्थ होता है कि बहुत दिन शादी हो गया हुआ औरत का और उसे बच्चे नहीं हो रहे हैं, अर्थात बच्चा नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं बांझ औरत, यानी इसको बच्चा नहीं होता। तो बांझपन यानी ये क्या होता है विटामिन ई की कमी। नपुंसकता भी होता है विटामिन ई की कमी से। नपुंसकता का मतलब होता है जब कोई भी जब कोई मर्द पिता बनने योग्य नहीं रहता है तो उसे नपुंसक मर्द कहा जाता है, नपुंसक आदमी कहा जाता है। और वह भी समझिए विटामिन ई की कमी से होती है, समझे कि नहीं। उसके बाद विटामिन के, याद रखिएगा विटामिन के वसा में भी घुलनशील विटामिन है और जल में भी घुलनशील विटामिन होती है, लेकिन वसा में जो घुलनशील विटामिन के होता है उसकी मात्रा यदि कम होती है तो हीमोफीलिया नामक रोग हो जाती है। कौन सी रोग हो जाती है? हीमोफीलिया नामक रोग हो जाती है। यानी हीमोफीलिया रोग क्या है? जब आपका कहीं शरीर का अंग कट जाता है, गिर बजल जाते हैं, कहीं छिला छिछा जाता है, कट उठ जाता है, तो कट उठ जाने के बाद क्या होता है, ये रक्त थक्का बन भी नहीं करता, रक्त जमे नहीं करता है। तो रक्त जब थक्का नहीं बनेगा तो वहां पर क्या होगा, रक्त बहने लगेगा, यानी रक्त अत्यधिक मात्रा में बहने लगेगा जिससे कि शरीर का सारा रक्त बह जाएगा। तो अर्थात जब कहीं कट जाता है, छट जाता है, तो वैसी स्थिति में वहां से रक्त जो है सब शरीर से बहने लगता है और उसका रक्त जो है जमता नहीं है, यानी जमेगा तभी तो उसको रोकेगा, बाहर निकलने से रोकेगा, लेकिन वो रक्त जम भी नहीं करता है, अर्थात रक्त को जमने ही नहीं देता है, जिस कारण से हमें हीमोफीलिया रोग होता है, अर्थात रक्त बहते ही रहता है जिससे कि रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये विटामिन के जो है, यानी वसा में जो घुलनशील विटामिन के है, इसकी कमी से क्या होती है, हीमोफीलिया नामक रोग होती है, समझे कि नहीं। अब देखिए जल में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन सी है। विटामिन क्या है? सी। जल में घुलनशील विटामिन क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो होती है वो अस्कर्वी नामक रोग होती है। कौन सी रोग होती है? अस्कर्वी। अस्कर्वी का मतलब होता है कि देखते हैं ना कि दिनाए हो जाता है, बहुत सारा चीज दिनाए हुआ, खुजली हुआ, चाता चाता जैसा पड़ने लगता है, जांघ के नीचे होने लगता है, समझे कि नहीं। तो वही विटामिन सी की कमी से वो रोग होता है अस्कर्वी, समझे कि नहीं। उसके बाद विटामिन के कॉम्प्लेक्स, यानी ये भी जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन के कॉम्प्लेक्स, इसके कारण से रक्त का जमना, रक्त जो जमने लगता है वह विटामिन के कारण से, समझे कि नहीं। और जो जल में घुलनशील होता है
रक्त जो जमता है वह विटामिन के कारण से। उसके बाद देखिएगा विटामिन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे कैटेगरी है, बी वन है, बी टू है, बी थ्री है, बी फोर, बी फाइव है, बी सिक्स है, बी सेवन है, बी नाइन है, बी ट्वेल्व है, समझे कि नहीं। तो यहाँ देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को कितने भागों में बांटा गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, समझे कि नहीं। तो विटामिन बी वन, बी वन की कमी से विटामिन बी का एक भाग है विटामिन बी वन, विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होती है। आप लोग देखते हैं हाथ में थोड़ा फुंसी पूरा बड़ा बड़ा हो जाता है, पूरा बड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो जो है बेरी बेरी रोग होता है, वो विटामिन बी वन की कमी से होती है। उसके बाद विटामिन बी टू की कमी से किलोसिस होती है, और किलोसिस का मतलब होता है कि आपका जो है ना पूरा शरीर सूखने लगता है, शरीर से रक्त मतलब कि एकदम गला हड्डन कंकाल जैसा लगने लगता है, बहुत आपका शरीर छीन होने लगता है, शरीर में मतलब सूख करके एकदम पूरा शरीर में धब्बा पड़ जाता है पूरे शरीर में, वो किलोसिस का मतलब होता है, जो कि विटामिन बी टू की कमी से होती है, समझे कि। उसके बाद विटामिन बी थ्री की कमी से पेलाग्रा होती है, क्या होती है, पेलाग्रा नामक रोग होती है। और पेलाग्रा रोग जो होती है उल्टी दस्त, उसके बाद माथा जो है चक्कर काटता है घूमता है, वो सभी रोग जो होते हैं पेलाग्रा रोग कहलाता है। कौन सा रोग कहलाता है, पेलाग्रा रोग कहता है। और इससे भी शरीर में क्या होता है, शरीर में जो है ना मतलब बड़े बड़े चत्ते चत्ते उभार आ जाते हैं पेलाग्रा विटामिन बी थ्री की कमी से, समझे कि नहीं। उसके बाद विटामिन बी फाइव याद रखिएगा, देखिए विटामिन बी फाइव, विटामिन बी फाइव से चर्म रोग होता है, जिससे कुष्ठ रोग होता है, चरक होता है, ये सभी अनिद्रा होता है, ये नींद भी यदि आपको नहीं लग रहा है तो आपको समझ जाइए कि विटामिन बी फाइव का कमी है। मैं सब बताऊंगा कि इसके उपचार के लिए क्या किया जाएगा, आप लोग केवल मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, सब बताएंगे। उसके बाद देखिएगा विटामिन बी सिक्स से एनीमिया नामक रोग होता है, यानी रक्त छिन्नता, यानी हमारे शरीर में जो रक्त की कमी होती है वो विटामिन बी सिक्स की कमी से होती है। और विटामिन बी सेवन की कमी से भी एनीमिया नामक रोग होती है, और विटामिन बी नाइन की कमी से भी एनीमिया नामक रोग होती है, और विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से भी एनीमिया नामक रोग होती है, समझे कि नहीं। और एनीमिया रोग को रक्त छिन्नता रोग कहा गया, अर्थात रक्त में हमारे शरीर में जो रक्त की कमी होती है वह एनीमिया रोग के कारण से होती है। तो आज मैं यहीं तक बताऊंगा, इसके बाद में आप लोग को नेक्स्ट क्लास जो लूंगा उसमें बताऊंगा इससे रिलेटेड विटामिन ए क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक सूत्र क्या है, विटामिन ए कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस चीज में पाई जाती है, विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है, उस प्रकार विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का किसके द्वारा इंगित किया जाता है, इन सब के बारे में जानकारी आप लोग को दूंगा। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे और मुझे बताएंगे कि आज की क्लास कैसी लगी।